नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज। हम पहुंचे हैं करकिया गांव में, जहां पर गौशाला बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गौशाला दम तोड़ रहा है। आगे की तस्वीरें हम दिखाएंगे। यहां पर आप जानवर भी देख सकते हैं, सिर्फ नाम मात्र गिने चुने जानवर ही। कैमरामैन से हम कहेंगे कि दिखाए कि सिर्फ नाम मात्र गिने चुने जानवर ही बचे पड़े हैं यहाँ पर। वहां से लेकर के सिर्फ यहाँ तक जानवर देखे जा सकते हैं। आगे की अगर यहाँ की व्यवस्था की बात करें हम, तो पूरी टीन सेट, ये देखिए ये टीन सेट पड़ी हुई है जो पूरी उखड़ी हुई पड़ी है। उसके नीचे जानवर भी नहीं है। और सामने आप देख सकते हैं जहां पर एक जानवर पानी पी रहा है, वो भी जहां गंदगी में पानी भरा हुआ है वहां पी रहा है। अब आगे अगर हम दिखाएं आपको, तो आगे कहेंगे आओ यहाँ पर जानवरों की संख्या आप देख सकते हैं, कितने जानवरों की संख्या यहाँ पर बची है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योगी राज में जो गौशाला है वो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अगर हम आपको खाने पीने की चीजों को दिखाएं, यहाँ पर हम कहेंगे कि दिखाएं, देखिए यहाँ पर चारा वारा बिल्कुल कुछ नहीं भरा पड़ा है। एकदम यहाँ पर जो नांदे बनाई गई हैं खाने के लिए वो पूरी तरह से सूखी हुई पड़ी हैं। यहाँ पर ब्लॉक के अधिकारी पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं, देखते हैं या नहीं देखते हैं, पैसा पास होता रहता है। कितने जानवर रजिस्टर्ड हैं ये भी कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर कोई केयर टेकर देख रेख में मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, इधर देखिए ये पूरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधा, कोई भी चारे पानी की व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। कहीं पर भी नांदे में चारा नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे हम कहेंगे कि दिखाएं पूरा जो यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था अगर देखी जाए तो वो भी नहीं है। जो जानवर हैं ये देखिए, जानवरों की हालत देख करके पता अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जानवर यहाँ पर दम तोड़ रहे हैं चारे पानी के बिना। ये देखिए, हालांकि चारा तो इसमें है, लेकिन चारा ये बंद पड़ा हुआ है। इसमें कोई जानवर चारा खाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन नांदों में चारा दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई भी यानी कि सिर्फ यहाँ पर पैरा कटा हुआ पड़ा है, लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर दाने पानी की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ पर कोई भी दाना, यहाँ पर कोई भी जानवरों को लगाने वाला दाना नहीं है। एक सूखा चारा, ये सूखा पैरा जानवर कैसे खाते होंगे, उनको दिया भी जाता है या नहीं, ये तो बाद में विषय बताएगा। ये जानवरों की हालत देखकर पता लगाया जा सकता है कि कितना इनको चारा दिया जाता है, कितना इनको पानी दिया जाता है, कितनी इनकी देखभाल होती है। आइए और हम आगे आपको दिखाते हैं जानवरों का हाल क्या है यहाँ पर। बद से बदतर यहाँ पर जानवरों का हाल दिखाई दे रहा है। आप कौन है, आपका नाम क्या है? विजय कुमार। यहाँ क्या करते हो? ड्यूटी करते हो। कितना रुपया पाते हो महीने में? 4000। 4000 पाते हो? खाली अकेले हो कि कोई और भी है? नहीं, हाँ एक लोग और, दवा लिए गए हैं, वाइफ की तबीयत खराब। अच्छा, यहाँ पर कितने जानवर रजिस्टर्ड हैं? सर गिने नहीं है जानवर। रजिस्टर कोई बना है या नहीं बना है? रजिस्टर रहा है, मगर डॉक्टर साहब ले गए थे। कौन डॉक्टर? राहुल। कोई डॉक्टर यहाँ आता भी है? हाँ आया रहा। तो जानवर की हालत आप देख सकते हैं, बेचारे उठ नहीं पा रहे हैं। जानवर उधर जो पड़े हैं, जानवर उठ नहीं पा रहे हैं। चारा पानी उसमें नांदे में है नहीं। कौन चारा वाला देता है? चारा साहब उधर पड़ा है, वो वाला पड़ा रहा है, सुबह नांदम पड़ा रहा है। नांदक जो खा जाते उधर से जो बचा है बाहर का, वो वाला डाल दिया जाता। तो यहाँ पर दाने पानी की तो कोई व्यवस्था ही नहीं, खाली पैरा कटा हुआ पड़ा हुआ है। कोई चोकर वोकर है ही नहीं यहाँ पे? चोकर अंदर दब गया है। अच्छा सच सच बताइएगा, जानवरों को चारा कब से नहीं दिया गया? ना चारा रहा है, बहुत दिया जाता है परमानेंट। तो उसमें नांदे में चारा दिखाई नहीं दिया? चारा खत्म हो गया है। अच्छा, ये भी आपको नहीं पता कि कितने जानवर यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, कितने जानवर गौशाला में हैं? हाँ सुबह निकल के रहा, तार टूट गया रहा है, तो बंधवाए हम तार, और एक बंडल तार और मंगवाए। रोज पर देर तक तार टूट गया था, झंझा रोज। चलिए आइए आइए, आप आइए हमारे साथ आइए और हम दिखाते हैं। ये देखिए, इस जानवर को आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी हालत, ये बेचारा उठ नहीं पा रहा है। इसको इतना चारा दिया जाता है, इतना चारा इसने खा लिया है कि ये उठने को तरस रहा है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर आते हैं, बढ़िया इंजेक्शन लगाते हैं, बढ़िया इसकी देख रेख करते हैं, इसीलिए ये उठ नहीं पा रहा है। और आगे हम कहेंगे आए दिखाए यहाँ पर, ये देखिए, इधर आइए, ये यहाँ दूर से दिखाते हैं। देखो किस तरह से कौवे वहां पर उस जानवर को नोच नोच के खा रहे हैं।
ये एक गौशाला का हाल है, देख रेख अधिकारियों की होती है, लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते एक गौशाला भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कौवा कैसे उस जानवर को खा रहा है। देखिए देखिए इस जानवर की हालत क्या हो गई है, हम आपको दिखाएं। ये देखिए पूरी आंख नोच नोच कर कौवा खा गया है। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, ऐसी देख रेख है कि जानवर बेमौत मर रहे हैं यहाँ पर। इससे बढ़िया जानवरों को आजाद कर दिया जाए। देखिए कि क्या हाल हो गया है गौशाला का।